नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के पावर के बारे में आप सभी को तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। मैं इंजन के पावर की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके बॉडी के पावर की बात कर रहा कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कितना मजबूत बनाया गया है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में एसयूवी ने अच्छे पॉइंट्स के साथ 5 स्टार रेटिंग से स्कोर किए हैं और कई सारे एक्सीडेंट्स में भी इसका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है। पलटने के बाद, डिवाइडर से लड़ने के बाद और यहां तक ट्रक बस से भी लड़ने के बाद इसने पैसेंजर्स को सेफली बचाया है। और आज के टाइम पर इस तरह की मजबूत गाड़ियों की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि हम सड़क पर कितना भी सही क्यों ना चल लें, सामने वाला अपनी गलतियों की वजह से हमारा बड़ा नुकसान करवा देता है, तो उस जगह पर यही गाड़ियाँ सेफ रखती हैं। और ऐसा ही कुछ आपको आज के इस एक्सीडेंट में भी दिख जाएगा, जिसे उत्तर प्रदेश से मिस्टर यश प्रताप सिंह ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज़ सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बागपत में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और ट्रैक्टर के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो एन से 2 पैसेंजर्स रात के समय अपने फैक्ट्री से घर के तरफ जाने के लिए निकले थे। एसयूवी हाईवे पर करीब 80-90 किलोमीटर पर आर की रफ्तार में डिवाइडर के बगल वाले लेन में चल रही थी, तभी अचानक सामने रॉन्ग साइड से एक ट्रैक्टर आ गया और दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा कि ट्रैक्टर में लाइट नहीं थी और स्कॉर्पियो लो बीम यानी डिपर में चलाई जा रही थी, इसलिए ड्राइवर को सामने का कुछ भी क्लियर नहीं दिखा और जब तक ये सोच समझ पाते एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी की स्पीड यहाँ ठीक ठाक थी, इसीलिए टक्कर भी जबरदस्त हुआ, जिसमें दोनों तरफ नुकसान आ गया। हालांकि मीटर पर तो सुई 220 पर अटकी हुई है, लेकिन ये रियल नहीं है भाई, गाड़ी 80-90 की रफ्तार में ही थी। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं स्कॉर्पियो का राइट साइड फ्रंट बुरी तरह डैमेज हो गया है। इम्पैक्ट से इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल सब कुछ टूटते हुए अंदर घुस गया है। इसके अलावा ड्राइवर साइड डोर, विंडो, विंडशील्ड और व्हील में भी नुकसान आया है। बाकी कैबिन पूरी तरह सेफ है, यहां तक कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। दूसरी तरफ ट्रैक्टर को देखा जाए तो इसका हाल काफी भयानक हो गया है। टक्कर लगते ही ये 2 टुकड़ों में बट गई और पहिया वहिया भी टूट कर अलग हो गया। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो टाइमली एयरबैग्स खुल जाने की वजह से एसयूवी के दोनों पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि ट्रैक्टर के 3 पैसेंजर्स को इसमें शायद चोटें आ गई हैं, उम्मीद करते हैं वो भी सेफ हों। तो भाई यहां आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन बना है और ऐसा इंडिया के हर रोड्स पर होता है। कुछ ट्रैक्टर वाले भाई लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं और वो खुद के साथ साथ दूसरों के जान को भी खतरे में डालते हैं। यहाँ तो कहिए स्कॉर्पियो की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कुछ बड़ा नहीं हुआ। अभी यहीं कोई तेज़ रफ्तार में चलने वाला होता तो नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता था, इसीलिए सड़क पर चलते हुए इन सब तरह की गलतियाँ मत करें। बाकी स्कॉर्पियो एन का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त था, इस बार भी एसयूवी ने दिखाया है कि इसमें कितना दम है। आपको इस पर क्या लगता है कॉमेंट में बताइए।